हे गाइज, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वक्त है शाम का और हर रोज की तरह शाम को मैं अमायरा को लेके पार्क जाती हूँ। ये रही अमायरा और हम लोग जा रहे हैं पार्क, है ना बेटा? वक्त हो रहा है इस वक्त 6:30 शाम के, क्योंकि यहाँ समर्स में सनलाइट है काफी देर तक रहता है, यानी कि अंधेरा बहुत ही लेट होता है। 8:30 के अराउंड अंधेरा होता है अभी, और 6:30 से पहले जाना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारा पार्क टाइम है, तो हमारा बहुत खुश होती है अगर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ बोलती हूँ तो। तो कल रात को ही एक बहुत बड़ा अपडेट आया है H1B वीजा से रिलेटेड, तो मैंने सोचा अपने ऑडियंस के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूं कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू वीजा जॉब्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अमेरिका आने के ए से लेके जेड तक बहुत डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है सबके बारे में, इसीलिए लोगों के इतने सवाल हैं। तो यस स्वीटहार्ट, तो पर पता नहीं कैसे ये ड्रिजलिंग शुरू हो गई है इस वक्त, पर देखते हैं। फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वीज़ा हैं, जॉब्स बहुत डिफरेंट वीज़ाज पे होते हैं, डिफरेंट टाइप के जॉब्स। तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि वो किस वीज़ा पे अमेरिका आए। तो इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं ला रही हूँ इंडिया का पहला कोर्स, जिसमें आपको A to Z वीज़ा की डिटेल्स मिलेंगी, किस वीज़ा पे आप कौन सी जॉब कर सकते हो ये मिलेगा, आपके किस वीज़ा पे कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी भी डिटेल मिलेगी, साथ में इमिग्रेशन से लेके इंटरव्यू प्रोसेस से लेके अमेरिका पहुंचने तक का सारा डिटेल मिलेगा। तो ऐसा कोर्स इंडिया में अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो एजेंसियाँ होती हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप किसी एजेंसी से बात करोगे कि मुझे अमेरिका जाना है, तो पहले तो वो बात करने के ही सब बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसमें तो खैर वो लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ बारिश हल्की सी रुक जाए फिर जाऊँगी, घर से मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ। सो वी आर हेडिंग बैक होम। तो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने कोर्स के लिए, जल्द ही वो कोर्स लाने वाली हूँ। और बारिश हो रही है तेज, तो भागती हूँ मैं घर। रन 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 बेटा, इट्स रेनिंग। अमायरा को ऐसे मैंने ढक दिया है ताकि हमारा ना भीगे। यस स्वीटहार्ट, वी आर ऑलमोस्ट होम, वी आर होम। यस, आई विल ओपन द गैराज। तो गाइस, बारिश ने हमारे साथ मजाक कर दिया। 5 मिनट की तेज बारिश हुई और बंद हो गई, तो हम फिर से पार्क निकल चुके हैं। पर हाँ, कोर्स की अगर मैं बात करूँ कि ये कोर्स जल्द ही अगस्त में आने वाला है, तो रेडी हो जाए इसके लिए। और जैसे ही ये कोर्स लाइव होगा मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे बताऊंगी, यूट्यूब पे भी बताऊंगी, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप सब। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता, जाए वहां फॉलो कर ले। बैक टू द टॉपिक, तो कुछ दिनों पहले मैंने H1B वीजा के सेकेंड लॉटरी के बारे में आप लोगों को बताया था, तो उसका रिजल्ट कल रात को ही आ गया। और जैसे मैंने गेस किया था कि विद इन अ वीक सेकेंड लॉटरी ये लोग कंडक्ट कर देंगे USCIS, और जल्द ही रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी ही पिटिशन, देखिए हमारा ने शू खोल के फेंक दिया नीचे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जिनका भी लॉटरी में सिलेक्शन हो उनका पिटिशन फाइल करे एम्प्लॉयर, यानी कि उनकी कंपनी, ताकि October 1st से वो लोग काम करना स्टार्ट कर दें H1B वीजा पे। सेकेंड लॉटरी क्यों कंडक्ट किया गया, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं पहले। तो H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, हर साल इसमें एम्प्लॉयर्स, आपकी कंपनी ये H1B वीज़ा फाइल करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हर एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं जिनका उन्हें लगता है करना चाहिए। और USCIS 85,000 लोगों का वीज़ा फ्रॉम वर्ल्ड वाइड जितने भी एप्लीकेशन फाइल होते हैं उसमें से अप्रूव करता है। तो इस वीज़ा में पहला प्रोसेस है एप्लीकेशन फाइलिंग का, और उस एप्लीकेशन फाइलिंग में बिल्कुल बहुत ही कम पैसे लगते, $10-20 के अराउंड पैसे लगते हैं, और ज़्यादा डिटेल्स उसमें नहीं जाती है, सिर्फ आपका पासपोर्ट का डिटेल जाता है। तो इस साल हुआ ये कि लोगों ने बहुत सारी कंपनीज से फाइल करवाया, एक बंदे ने 5-10-20 कंपनी से फाइल करवाया। वो इसलिए कि जितनी ज़्यादा कंपनी से उनका वीज़ा फाइल होगा
उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी उनके वीजा पिक होने की। तो इसकी वजह से इस साल टोटल एप्लीकेशन जो फाइल हुए थे मार्च 1 से लेके मार्च 18 तक वो थे 7,80,000 के अप्रोक्सीमेटली, जो कि आज तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर है। और जिसकी वजह से USCIS को शक हो गया कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है, इतनी एप्लीकेशंस कैसे आ सकती है। तो उन्होंने देखा कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 लाख समथिंग एप्लीकेशंस मल्टीपल फाइलिंग के थे और 3 लाख समथिंग ही एप्लीकेशन थे जो कि सिर्फ सिंगल फाइलिंग सिंगल एम्प्लॉयर के थ्रू फाइल थे। फिर फर्स्ट लॉटरी का प्रोसेस हुआ मार्च एंड में USCIS के द्वारा और उसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 लोगों को पिक किया। तो अब आप पूछोगे कि सीट्स तो 85,000 की है तो वो लोग 1,10,000 एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जितने भी एप्लीकेशन फाइल होते हैं सेकेंड स्टेप होता है कि उनका पिटीशन फाइल हो और पिटीशन में आपकी जॉब डिटेल आपका क्लाइंट डिटेल्स आपकी कंपनी की डिटेल सारी चीज़ें जाती है। उन सारे एप्लीकेशन का पिटीशन कभी भी पूरा फाइल नहीं होता, कभी ना कभी कोई ना कोई इशू होता ही है, कईयों की जॉब नहीं रहती बस ऐसे ही फाइल करवा देते हैं। अजीब बात यह है कि पहले लॉटरी में बहुत ही कम पिटीशंस ही अप्रूव हुए, तो इसीलिए USCIS ने सेकेंड लॉटरी का अनाउंसमेंट किया क्योंकि उन्हें 85,000 सीट्स तो फिल करनी है हर साल। तो अगर 85,000 एप्लीकेशंस अप्रूव नहीं होंगे H1B उन्हें नहीं मिलेगा तो वो लॉटरी कंडक्ट करते रहेंगे। तो सेकेंड लॉटरी में USCIS ने अप्रॉक्सीमेटली 78,000 एप्लीकेशंस फिर से पिक किया है और 78,000 सोचिए टोटल सीट्स ही 85,000 है, 78,000 एप्लीकेशंस वो फिर से पिक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मल्टीपल फाइलिंग के हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे एप्लीकेशंस का पिटीशन फाइल होगा ही, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पिक किए हैं। सेकेंड लॉटरी का रिजल्ट कल रात को ही आ चुका है, अगर आप सबका एम्प्लॉयर ने नहीं बताया है तो आप उन्हें रीच आउट करें, पूछें कि क्या आपका सेकेंड लॉटरी में पिक हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेट्स सी सेकेंड लॉटरी के बाद कितने लोगों का एप्लीकेशन अप्रूव होता है पिटीशन में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जो इस साल के हालात हैं कि थर्ड लॉटरी भी ये लोग कर सकते हैं। यस स्वीटहार्ट, तो वेट एंड वॉच, कुछ महीने लगेंगे इसमें क्योंकि पिटीशन फाइल होगी फिर वो अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे, फिर सीट कितने बचते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा और जितने भी सीट बचेंगे फिर से लॉटरी कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय 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 बोल दो। गाइस ये देखो बारिश हुई ना उसके बाद ये रेनबो, पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है इस कैमरे में बट बहुत ही सुंदर रेनबो निकला हुआ है ये देखो आप।